गुड मॉर्निंग यश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सही हो? यस सर, फाइन। आप बताओ। बस बढ़िया एकदम। एक जन और आ जाए, अभी फिर टास्क को स्टार्ट करते हैं। यश, कल वाला पॉइंट आपको क्लियर था? जो मैंने हीट पढ़ना स्टार्ट किया था आपको, हीट के बारे में समझाया था, ठीक है? अभी एक चीज बताता हूँ यश। अभी आज की जो करंट अफेयर्स है, उसमें थोड़ा सा साहित्य एकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? थीके? तो प्लीज उसको, साहित्य एकेडमी अवार्ड्स को याद कर लेना, ठीक है? अनमेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, काफी करंट अफेयर्स में, ठीक है यश? और आपका ओके जो एसएससी, आपने एसएससी सीएचएसएल डाल रखा है? सर, सीजीएल सीएचएसएल दोनों है सर। हाँ, दोनों डाल रखा ना। तो कल एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, ठीक है? वेबसाइट पे पब्लिश भी हो जाएगा, इवन रूमों में आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? तो एसएससी की डेट्स आ गई हैं, ठीक है? एसएससी सीएचएसएल की डेट जो है वो आपको पता होगा, 12 अप्रैल से आपका स्टार्ट है और 27 अप्रैल तक आपका पेपर चलेगा। और मोस्ट प्रोबली आपके आफ्टर होली आपका स्टेटस आ जाएगा। यू हैव टू गेट योर स्टेटस कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, इन विच सिटी योर एग्जाम विल बी हेल्ड, एंड ये सब चीजें आपकी पता चल जाएंगी, ठीक है? यस सर। ओके। और 4 दिन पहले, जब शायद 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है? तो प्लीज रेडी हो जाओ, एग्जाम बहुत करीब है आपके, ठीक है? और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है? बस यही बताना था स्टार्टिंग में। यस सर। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है? देखो, कल कल यश जो हमने बेसिकली पढ़ा था, हमने हीट के बारे में समझा था और हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? हीट जनरली क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेसिकली। और हीट कब होती है? जब हीट हमेशा कहाँ से ट्रेवल करती है? हमारे हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन के बीच में ट्रेवल करती है, ठीक है? और हीट तब होती है जब क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस इन क्या होता है, आपके टेम्परेचर होता है आपके, ठीक है? डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है, और बेसिकली जो डिग्री और हॉटनेस होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, वो चीज क्या कहलाती है? हमारी टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर को जनरली जो हम लोग मेजर करते हैं वो हमारे कैलविन में होता है। बेसिकली जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी जाए, पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है आपके टेम्परेचर की, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो आपके टेम्परेचर की वो हमारी कैलविन है, ठीक है? और कल कुछ हमने फॉर्मुले भी पढ़े थे कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फेरनहाइट में बदलते, ठीक है? और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, जनरली वहीं से क्वेश्चन हमारे पूछे चले जाते हैं। आपकी जैसे पीडीएफ वगैरह होगी, आपको आज शेयर हो जाएगी, ठीक है? पीडीएफ आपको मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है, मैम को भेज के, और मैम आपको दे देंगी, ठीक है? तो एक चीज और बता देते हैं कि आपका रीमर स्केल भी होता है पुराने टाइम पे, ठीक है? पुराने टाइम पे आपके रीमर स्केल यूज होते थे, लेकिन हम आज के टाइम पे रीमर स्केल हम लोग यूज नहीं करते हैं आपके, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत आप आराम से समझ सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चीजें देखते हैं। आज हम लोग जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो हमारी स्टार्ट करेंगे लेटेंट हीट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेटेंट हीट क्या होती है? द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कुछ नहीं है, जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे आपने कोई भी मेटल लिया, मेटल को क्या करा, मेटल ने क्या करी, जैसे करा उसको, तो उसने कितनी हीट को एब्जॉर्ब करा पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, एक अगर एक छोटा सा हिस्सा लेंगे पर यूनिट मास में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वो क्या होती है, वो लेटेंट हीट होती है। लेटेंट मींस क्या होता है, हिडन। लेटेंट मींस क्या होता है, जब आपको इंग्लिश में इसका लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो आपको दिखाई नहीं पड़े, जो छिपा हुआ हो, ठीक है? वो हीट जो एब्जॉर्ब करी वो होती है हमारी लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट को हम कैपिटल लेटर एल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है, किलोग्राम होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना यश, वो होता है क्यू इज इक्वल टू एम एल। क्यू इज इक्वल टू एम एल आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू एम एल, जिसमें एम क्या है, मास ऑफ ए सब्सटेंस, और एल क्या है, यस सर, एल क्या है आपका, लेटेंट हीट है। और लेटेंट हीट सबसे ज्यादा आइस की होती है आपकी, कितनी है आपकी आइस की लेटेंट हीट दी है आपकी 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम दी है, ठीक है? जब आप क्यू बाय एम करोगे तो एल की यूनिट आपको मिल जाएगी। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि एल की यूनिट क्या होती है, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, एल की यूनिट होती है किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक
किलो कैलोरी पर किलोग्राम, क्योंकि क्या होगी किलो कैलोरी किसकी यूनिट होगी, क्यू की यूनिट हो गई, और एम की यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट होगी। तो पेपर में डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, अगर आना चाहे तो आपको हो सकता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला कौन सा सही है, which statement regarding the latent heat is correct, and one way is also ask the question from you कि आपको Q दे दे, M दे दे और L आपसे पूछ ले। तो इस तरीके से questions को पूछने के तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है। अगली चीज देते हो humidity क्या होती है। देखो humidity क्या होती है, आता बोलते हैं इसको, humidity क्या होती है, जल्दी क्या होती है, जब raining होती है हमारी, raining होने के बाद देखते हो ना कि आप लोग चिपचिपापन होता है आपके, moisture जो जो आफ्टर रेनिंग जो चीज होती है वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। इसमें डेफिनेशन लिखी है ना, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, जब कोई भी वायुमंडल के अंदर जब आपकी क्या होती है मॉइस्चर या नमी जब चीज आ जाती है तो बेसिकली वो चीज क्या कहलाती है, हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी हमारी कहलाती है। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में है, वाटर वेपर की फॉर्म में, जैसे होता है ना कभी कभी वाटर वेपर की फॉर्म में अगर ह्यूमिडिटी होती बहुत ज्यादा, जैसे क्लाउड्स वगैरह होते हैं फॉर्मेशन वाटर वेपर की फॉर्म, क्योंकि क्या होते हैं जब वाटर वेपर आपके जाते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है रेनिंग होती है जल्दी। अगर इस तरीके की ह्यूमिडिटी होती है तो हमारी ह्यूमिडिटी होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी आपकी वेपर की फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब मुझे जल्दी से बताओ यश कि ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी मेजर होती है हमारी, जल्दी से बताओ। पेपर में यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ह्यूमिडिटी मेजर विच इंस्ट्रूमेंट, डोंट नो, ओके कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ आपका, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वैसे इसमें भी लिखा है हाइग्रोमीटर, याद कर लेना, हाइग्रोमीटर इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी हैव टू मेजर द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। हम अगर वायुमंडल की आर्द्रता को नापना चाहते हैं तो हम लोग मापन के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं ये तो पता होगा शायद, पता है यश यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापते हैं सर, शायद हाइड्रोजन वाला मतलब नाम बताओ नाम का, अगर पता कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर ये याद कर लो, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं ना आपके, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी पूछे जाते हैं और साथ साथ कभी कभी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, व्हेनेवर विश्वास सर और अभी जो रीना मैम आपके हैं अगर वो आपको टीच करेंगी तो दे विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट दैट पार्ट, दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ एनालॉजी और फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास जो शेयर करी थी ना, आपका जो ई लर्निंग ऐप होगा जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पे आप एक बार देख लेना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है यश, और ठीक है तो वहां पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ा रखे, तो प्लीज बाय हार्ट से लर्न कर लेना क्योंकि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन पे फोकस कर रहा है एग्जामिनर, इसलिए मैं आपको बार बार ये रिकैप करने की बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एयर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेपर वाटर वेपर इन सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है रिलेटिव, रिलेटिव क्या होती है रेशियो होता है। अब आप जानते हो ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, अब जितना भी मास है आपके वाटर वेपर का और कितना वॉल्यूम है ऑफ द वाटर वेपर, वो चीज हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। अब देखो लिखा हुआ है ना कि हम लोग जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है मेजर किससे करते हैं, हमारे हाइग्रोमीटर से करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखा हुआ ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इज अ नेम ऑफ अ डिवाइस बाय और इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी हैव टू मेजर द ह्यूमिडिटी व्हिच विल हैपन आफ्टर द रेन। यस सर, वॉल्यूम प्रेशर जो एयर होती है इसी वॉल्यूम ली जाती है, मतलब टोटली जितना एरिया में ह्यूमिडिटी है, हां एयर की जो वॉल्यूम है वो इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ एयर वॉल्यूम,
वही है चीज बेसिकली, जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है ठीक है वो बेसिकली एयर की फॉर्म में ही होती है ठीक है, और ये वाटर वेपर की फॉर्म में आप ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देती है ह्यूमिडिटी ठीक है, यही चीजें होती हैं। अच्छा उसके बाद क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब देखो उस टॉपिक में क्या है यश, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब व्हाट आर द वेज बाय व्हिच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब क्या मोड होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए, क्या क्या तरीके होते हैं। जैसे आपको पहला पॉइंट दिखाया गया होगा हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन वो प्रोसेस होता है जिससे हीट क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है ट्रांसमिट होती है ठीक है, वो चीज क्या कहलाता है हमारा ट्रांसमिशन कहलाता है। अब यश मैं आपको पहले बता दूं तीन मेथड होते हैं, पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने से पहले आपको लेक्चर पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट के ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं, पहला होता है कंडक्शन ठीक है, दूसरा होता है क्योंकि डेफिनेशन पूछ ली जाती है क्योंकि सीडीएस वीडीएस के पेपर में ज्यादा देखा गया है, पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशन और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन ठीक है, ये तीन पॉइंट है। पहले तो ये नोट कर लेना देयर आर थ्री मेथड्स बाय व्हिच द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द थ्री मेथड्स द थ्री मोड्स आर देयर, फर्स्ट इज ट्रांसमिशन, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेंशन एंड थर्ड इज रेडिएशन। यश हैव यू फेमिलियर विद दीज नेम्स, आई थिंक सो, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दीज नेम्स, मुझे लगता है शायद आपको पता होगा ये चीजें, हाँ फैमिलियर हो गए थोड़ा सा भूल गए होगे बट डोंट वरी आई विल टीच देम यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ठीक है। देखो मैं सिंपल से एक फॉर्मूला बताता हूँ यश आपको ठीक है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, बहुत सिंपल से एक फंडा बताऊंगा आपको ठीक है, जस्ट इंटरेस्टिंग फंडा है आपको सीधे समझ में आए को। यश मैगी बनानी आती है तुम्हें, यू नो हाउ टू मेक अ मैगी आई थिंक, ये तो पता होगा आपको, चलो कोई बात नहीं, चलो आज मैगी बनवाते हैं ठीक। चलो देखो मैगी के कंसेप्ट सही मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझा पाऊंगा, जो चीज इसमें लिखी हुई है जो पूरी भाषा लिखी वो भी मैं समझाऊंगा, पहले सिंपल से कंसेप्ट को समझो, क्योंकि कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आराम से समझ जाओगे हीट कैसे ट्रांसफर होती है। चलो देखो अब क्या होता है, जैसे मान लिया आपकी गैस है, आपकी इस तरीके से गैस है ठीक है, चूल्हा है आपका, चूल्हा खरीदा ठीक है, उसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम होती है, फ्लेम वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था ठीक है केमिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे आपने इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका हो गया कंटेनर या आपका जो होगा बर्तन हो गया ठीक है, मेटेलिक बर्तन आपने यूज करा, प्लास्टिक में तो बनाओगे नहीं भाई, प्लास्टिक बनाओगे तो प्लास्टिक क्या बैड कंडक्टर हीट का, प्लास्टिक तो जल जाएगा बेसिकली और पिघल जाएगा। अब आपने क्या करा, मैगी बनाना स्टार्ट करी ठीक है। अब देखो मैगी में क्या हो रहा है, जो पहला ये आपको जो सॉलिड चीज दिखाई पड़ रही है, ये जो सॉलिड चीज होती है, तो सॉलिड चीज क्या होती है, जैसे आपने हीट चलाई है, हीट चली तो ना बर्तन आपका गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर हीट का ठीक है, मेटल आपका गर्म हो जाता है। तो हमेशा याद रखना जब मैगी आप बनाते हो, जब आप मैगी बनाते हो तो आपका जो कंटेनर है जो मेटलिक कंडक्टर यूज कर रहे हो, तो वो चीज जो हीट कंडक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं उसको कंडक्शन। तो इसका मतलब कंडक्शन हमेशा किसमें टेक्स प्लेस होता है यश, आपका कंडक्शन हमेशा आपके सॉलिड थिंग में टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि आपने क्या करा, हमेशा जब मैगी बनाई तो आपने सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर रखा, तो मेटालिक कंडक्टर ने क्या करा, हीट को कंडक्ट करा, मतलब हीट क्या हुई, ट्रांसफर हुई इसमें। तो मेटालिक कंडक्टर जिसमें आपका हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन हमेशा ध्यान रखना, कंडक्शन हमेशा सॉलिड थिंग्स में होता है, ना कि लिक्विड में होता है ना गैस में होता है। ये चीज क्या हुई हमारी, अभी देखो मैगी बनी नहीं है पूरी, अभी आपने क्या करा, केवल मेटालिक कंडक्टर के अंदर पानी डाला था, तो पहले पानी डालते हो, दो मिनट में मैगी बन जाती है, तो पानी आपने डाला। अब पानी जब बॉयल होता है ठीक है, तो पानी जब बॉयल हो रहा है, तो पानी बॉयल हो रहा है, तो पानी में आपने देखा ना कि जब बॉयल होता है तो बबल्स बनते हैं, हैव यू सी, आई थिंक सो, आपने देखा होगा कि बबल्स बनते हैं फॉर्मेशन ठीक है। जो वो बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है ना, दैट बबल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्वेंशन, क्या है वो चीज, क्या कहलाती है, हमारी कन्वेंशन होती है। तो इसका मतलब कन्वेंशन जो होता है वो लिक्विड और गैस फेजेस में होता है, कन्वेंशन जो होता है वो लिक्विड और
गैस फेजेस में क्या होता है, टेक्स्ट फेज होता है। तो सिंपल सा देखो फंडा है, बहुत सिंपल सा तरीका है, जो ये जितनी भाषा लिखी हुई है ना इसको मैं आपको लेमन लैंग्वेज में पहले समझा दे रहा हूँ, क्योंकि लेमन लैंग्वेज में समझ जाओगे तो आराम से समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी तक ये कंफ्यूजन निकला कि कंडक्शन जो होता है वो हमेशा सॉलिड थिंग्स में ट्रेवल करता है, और कंडक्शन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कंडक्शन के लिए भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और कन्वेंशन के लिए भी क्या होती है, हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन उसके अंदर जो बबल बन रहा है, बबल बन रहा है ठीक है, अब वो बबल बनते हैं, उसके बाद जब आप मैगी डालते हैं उसके अंदर, जब वो मैगी बेसिकली बेसिकली बेक्ड होती है या कन्वर्टेड होती है, कन्वर्ट होती है अपने रियल फॉर्म में, तो उसके बाद मसाला डालते हो, फिर कुछ समय बाद लंबी हीट पे लगाते हो, यार जल्दी से मैगी बन जाए क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज से। अब जब आप मैगी को जल्दी से गर्म करते हो तो आपने देखा होगा वेपर बनते हैं, Have you sir see the vapors? ठीक है, यशिका गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप क्या होते हैं, मैगी बनवा रहा हूँ, मैगी बन चुकी है पूरी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके वेपर्स की फॉर्मेशन होती है, जो वो वेपर की फॉर्मेशन हो रही है दैट वेपर फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेडिएशन, वो क्या होता है हमारा रेडिएशन कहलाता है। और ध्यान रखना रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो चीज क्या है, वेपर है, वेपर आराम से अपने आप ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है, तो रेडिएशन नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दैट इज अ फेनोमेनन ऑफ रेडिएशन। तो मैगी कैसे बनाई, देखो मैगी हमने बनाई कि सबने मेटेलिक कंडक्टर लिया, तो मेटेलिक कंडक्टर ने क्या हीट को कंडक्ट करा, हीट को जो कंडक्ट करा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब जब मैगी के अंदर जो पानी डाला हुआ था जो बॉइल हो जो इस कॉल्ड कन्वेंशन, वो कन्वेंशन कहलाता है, और जो मैगी हमारी बन चुकी है जो वेपर फॉर्मेशन हो रही, दैट वेपर फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेडिएशन, द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, सो रेडिएशन का फेनोमेनन होता है जिसको प्रकिरण बोलते हैं, प्रकिरण बोलते हैं, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने अनुसार क्या होती है वेपर की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये सिंपल सा फेनोमेनन है कि भाई ये रेडिएशन कन्वेंशन और कंडक्शन क्या होता है, पहले ये क्लियर हुआ लेमन लैंग्वेज, अब फिर हम पढ़ेंगे, अगर ये क्लियर हुआ हो तो प्लीज बता दो मुझे इट इज क्लियर, अदरवाइज फिर मैं और कोई कंसेप्ट समझाऊं, बहुत सिंपल था वे, और मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाया, बिल्कुल देसी भाषा में समझाया, जो आप प्रैक्टिकल करते हो, पढ़ाने का तरीका ही पहले मेरा यही कि मैं आई विल टीच द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल में, जो जहां जरूरी है वहां पॉइंट पे। अब देखते हैं क्या क्या भाषा लिखी हुई है, राम कथा क्या लिखी है, अब देखते हैं। देयर आर मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थ्री मेथड्स मैंने बताए, सबसे पहले कंडक्शन देखते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सीधी सी बात है भाई, कंडक्शन मैंने बताया था कि हमेशा सॉलिड थिंग में होता है, कहां से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में होता है। यूं क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअल पार्टिकल ऑफ मोशन होता है। अभी एक और भाषा में समझाऊं, चलो एक और भाषा में समझाता हूं आपको, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, कंडक्शन कहलाता है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। देखो ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन सॉलिड टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन, सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर हमेशा कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सबको पता है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, प्लास्टिक तो नहीं होता ना, फ्लाई प्लास्टिक को गैस के ऊपर रख दो तो प्लास्टिक पिघल जाएगा ना, इट मीन्स द प्लास्टिक इज नॉट अ गुड कंडक्टर, इफ यू वांट टू डन द फेनोमेनन ऑफ कंडक्शन वी हैव टू डील विद द कंटेनर दैट इज मेटालिक इन नेचर, बिकॉज मेटालिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दैट। आफ्टर दैट द वुड कॉटन वूल ग्लास आर द बैड कंडक्टर्स, ये जितने भी हैं बैड कंडक्टर, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा बैड कंडक्टर है इसका, तो हमेशा याद रखना वूल, क्योंकि ये कभी भी हीट को कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर, ड्राई एयर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल एंड क्लेट डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप, देयरफॉर वी फील वार्म, पता ही है, तभी हम लोग जो होते हैं सर्दी वगैरह में वूलन क्लोथ पहनते हैं, तो वूलन क्लोथ क्या होती है, बेसिकली जो होती है जो वूलन को डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ आवर बॉडी टू एस्केप, ठीक है, वूलन क्लोथ क्या होती है, हमारी बॉडी में जो हीट होती है वो स्किप करने को नहीं होती, तभी तो हम लोग सर्दी के टाइम में क्या होती है वूलन क्लोथ हमारे पहनते हैं, ताकि वो हमें क्या कहती है गर्मी प्रदान करती है बेसिकली। ऑन अ कोल्ड नाइट टू थिन ब्लैंकेट गिव यू मोर वार्मथ देन अ सिंगल थिक ब्लैंकेट, बिकॉज द लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट वर्क एज ए इंसुलेटर,
सीधी सी बात है भाई, आप जानते हो कि ब्लैंकेट, अब एक दो ब्लैंकेट जब ठंड लग रही होती है ना, जब रात में ठंडी के टाइम पे, तो देखो भाई मजा तो तब आता है जब पंखा चला के ना सो, मैं पंखा चला के सो तभी नींद आती है, ये सच है बिल्कुल। मैं तो हमेशा सर्दी के टाइम में भी दिसंबर तक मेरा पंखा चलता है, जनवरी के टाइम में जाके बंद होता है, ठीक है, जब ठंड लग रही होती है मैं दूसरा ब्लैंकेट ओढ़ लेता हूँ। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, जो जो ब्लैंकेट हम ओढ़ रहे हैं वो बेसिकली एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है, जो बाहर की एयर है वो कंडक्ट नहीं हो रही है उसके अंदर, और हमें क्या हो रही है, गर्मी प्रदान हो रही है, यही चीज है बेसिकली, दैट इज द कंडक्शन। ये सारे फेनोमेनन है हमारे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एंड आइस बॉक्स हैव डबल वॉल ऑफ सीलिंग, सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारी चीज बताई जा रही है, मतलब ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इससे कंडक्शन टेक्स प्लेस होता है, बहुत ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको समझाया इस तरह से कंडक्शन हमारा होता है। अगली चीज देखते हैं कि हमारा कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन क्या कहलाता है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन फ्लूड। कन्वेक्शन किसमें होता है, बेसिकली फ्लूड में होता है, फ्लूड मतलब लिक्विड में होता है और गैसेस में होता है, ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन कहलाता है हमारा ये चीज। मतलब सीधी सीधी चीज, जब मैगी गर्म हो रही थी ना, जो बबल्स बन रहे थे, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ मैगी हियर, व्हेन यू सी दैट बबल्स इन योर कंटेनर, दैट बबल्स कन्वेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, दैट इज द सेकंड मेथड बाय व्हिच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब वो बबल क्या, वो जो वेपर बन गया वो रेडिएशन कहलाते हैं, ठीक है ना। व्हेन अ लिक्विड इन अ वेसल इज हीटेड एट द बॉटम, द लिक्विड एट द बॉटम गेट हीट एंड एक्सपेंडेड, यही चीज मैंने बताई, जो चीज एक्सपेंडेड होती है ना, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी द हॉट एयर राइजेस, हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, वो राइजेस होती है, एंड प्लेस टेक्स प्लेस बाय द कोल्ड अबव इट, ठीक है। तो यही चीजें हैं बेसिकली जो कन्वेंशन हमारी कहलाती है। अब ये कई बार एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है सीडीएस के एग्जाम्स में देखा गया है कि जितने भी आपकी एप्लीकेशंस मैंने यहाँ मेंशन करी हैं, ये एप्लीकेशंस आपको एग्जामिनर्स देता है और आपसे पूछता है इसके अंदर क्या चीज होती है, कन्वेंशन होता है, कंडक्शन होता है कि रेडिएशन होता है। अगर मेटेलिक चीज आ जाए वो देते कंपलेटिव फोकस, तो आप कंडक्शन पे लगा देना। अगर जो सी ब्रीजेस होते हैं, हमेशा देखो सी में आप कभी भी जाते हो समुद्र वगैरह में, सी ब्रीजेस की जो ऊपर वाली लेयर होती है बेसिकली, ऊपर वाली लेयर होती है नहीं, बेसिक कोल्ड होती है नेचर, कोल्ड नेचर होता है उसका बेसिकली, और नीचे हॉट होता है आपका, तो ये भी उसके अंदर क्या होती है, एक फेनोमेनन जो होता है कन्वेंशन का होता है। कभी कभी पूछ ले जाता है जो समुद्री हवाएं चलती हैं, समुद्री हवाओं के अंदर वो कौन सा मेथड होता है, तो आपका आंसर होगा समुद्री हवाओं के अंदर कन्वेंशन होता है, कन्वेक्शन होता है आपका समुद्री हवाओं के अंदर। आफ्टर द कन्वेक्शन देयर इज एन थर्ड मेथड हीट एंड ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन, अगला मेथड क्या होता है हमारा, रेडिएशन कहलाता है। तो अभी तक यहां तक क्लियर है, इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, बट आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज मैंने समझाई है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में आपको नहीं समझाया। अब देखो एक और बढ़िया एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी, वो देखो बहुत बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल दूंगा, पहले ही पूरी रेडिएशन की डेफिनेशन समझ, बहुत प्यार से समझ में आएगा। देखो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज अ प्रोसेस, पेपर में मैक्सिमम टाइम जो एप्लीकेशंस पूछी गई है वो रेडिएशन से ही पूछी गई है, रिमेंबर दैट डेफिनेशन, बिकॉज़ व्हेनेवर द रेडिएशन फेनोमेनन टेक्स प्लेस यू डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, आपको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जब ये प्रकीर्णन क्रियाएं आपकी होती हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको पता है ना कि मैंने जो आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है हमारी, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, पढ़ाया था ना कि नॉन मैकेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है। तो इस तरीके से रेडिएशन को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दिख रहा है ना आपको, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन विदाउट हीटिंग द इंटरमीनिंग मीडियम, बिना किसी हीटिंग के रेडिएशन टेक्स प्लेस होता है। देखो अब देखो सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ तीनों, पहले तो मैगी वाला एग्जांपल समझा दिया मैंने, मैगी समझ में आ गई होगी, यशिका समझ में आया है टॉपिक, मैगी वाला टॉपिक समझ में आया, ओके चलो। अब देखो एक और मेथड बताता हूँ, देखो क्लास में आप लोग सब बैठते हो, चलो ठीक है मान लिया, ठीक है। अब देखो क्लास में क्या होता है, आप लोग सब बैठे हो बेंच में, ठीक है, आपने आपके टीचर ने क्या करा, आपके टीचर ने बोला कि एक पेन दे रही हूं मैं, ठीक है, आपकी टीचर है फीमेल टीचर है, उन्होंने बोला मैं आपको एक पेन दे रही हूँ, ये पेन तुम्हें पीछे तक पहुंचाना है, एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है उस तक पहुंचाना है तुम्हें, ठीक है।
क्या मेथड्स हो सकते हैं पहुंचाने के, ठीक है? या तो टीचर डायरेक्ट फेंक दे, अब डायरेक्ट तो नहीं फेंकेगा टीचर, क्योंकि अगर टीचर डायरेक्ट फेंक देगा तो डिसिप्लिन कहाँ कहलाएगा बेसिकली, डिसिप्लिन ब्रेक होगा ना, दैट डिसिप्लिन कैन ब्रेक। मेथड क्या हो सकते हैं, मतलब एक लड़का पीछे बैठा है, बैक बेंचर है, ठीक है, टीचर को एक इक्विपमेंट और एक पेन वहां तक पहुंचाना है, तो वो किस किस मेथड से पहुंचा सकता है? देखो, पहला मेथड ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट फेंक दे, पहला मेथड। अगर वो डायरेक्ट फेंक देता है, दैट मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन, दैट मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन। क्यों? क्योंकि उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, उसको कोई बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं हुई कि वो किसी की मदद लेके उस तक वो चीज पहुंचा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके के फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। तो रेडिएशन क्लियर हुआ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया। अगर एक टीचर को कोई भी चीज या पेन या कोई भी चीज वहां तक पहुंचानी है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट फेंक सकता है। तो जब डायरेक्ट उसने फेंका तो उसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं हुई। अब एक मेथड और भी हो सकता है, एक मेथड क्या हो सकता है, देखो एक मेथड ये हो सकता है कि मान लिया आपका टीचर यहाँ पे बैठा है और एक बैक बेंचर यहाँ पे आपके, ठीक है, टीचर ने क्या कहा, एक स्टूडेंट को पकड़ाया, ठीक है, एक स्टूडेंट को टीचर ने, ये स्टूडेंट ने क्या हुआ, इसको दिया बगल वाले को, ठीक है, ठीक है, ये पीछे वाले ने क्या करा, इस तरीके इसको दिया, फिर इस तरीके से इसको दिया, इसको, फिर इस तरीके से यहां तक पहुंच गया। तो इस मेथड से पेन वहां तक पहुंचा, पेन मतलब समझो हीट वहां तक पहुंची। जब हीट ये यहां तक पहुंची, एक एक स्टूडेंट को पास करा, इसने इसको पास करा, उसने इसको पास करा, उसने इसको पास करा, पास 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 करते वो हीट, वो पेन जो था वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच गया। जो इस तरीके के फेनोमेनन होते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज सॉलिड होती है, मान लिया कोई भी चीज मेटल है, ठीक है, मेटल है, मेटल कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन सॉलिड चीज में होता है कि नहीं होता? जैसे मान लिया यश ने यहां से इसको हीट करा, ठीक है, यश ने यहां से इसको हीट करा, तो यहां से हीट कैसे जाएगी, हीट कैसे जाएगी, हीट तभी तो ट्रेवल करेगी। इसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, देखो एक पार्टिकल्स है, ये भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स बिल्कुल सॉलिड में, आपको पता ना पार्टिकल्स पास पास होते हैं, उनके बीच में नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है, कंप्रेशन नहीं होता। तो हीट कैसे जा रही है, हीट इस पार्टिकल से इसको ट्रांसफर हुई, फिर इससे क्या हुई, इसको ट्रांसफर हुई, फिर हीट कैसे इसको इससे ट्रांसफर हुई, और हीट अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंच गई, लेकिन कैसे, इसी मीडियम की, मतलब पार्टिकल की, मतलब एक पार्टिकल से इस पार्टिकल, इस पार्टिकल से पार्टिकल। तो इस तरीके को बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन बोलते हैं। अब क्लियर हो रहा होगा शायद आपको। अब एक तरीका और भी होता है, ठीक है, एक तरीका क्या होता है, अब क्या होता है, एक तरीका क्या होता है जिससे आपको पहुंचाना है। तो आपने क्या करा, एक स्टूडेंट को छोड़ छोड़ के दिया, ठीक है, स्टूडेंट को छोड़ छोड़ के दिया, कहा एक स्टूडेंट को दिया, बगल वाले को दिया, उसने पीछे वाले को दिया, एक ही बेंच लाइन में तब थे, उसने इसको दिया इस तरीके से, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, फिर उसने उसको दिया, और इस तरीके से पहुंच गया। तो इस तरीके से जब वो पहुंचा तो उसको बोलते हैं कन्वेंशन। देखो बिल्कुल मैंने आपको लेमन और बेसिक भाषा में समझा दिया, और यही चीज इसमें पूरी नामकथा लिखी हुई है जो मैंने बताई है। बट आप यहाँ ध्यान रखना कि किस मीडियम में क्या चीजें आपकी टेक्स्ट प्लेस होती है, ठीक है, यही तो मेथड हो सकते हैं यश का, ठीक है, यही मेथड है यश और यशिका, दोनों ही मेथड है। तो ये दीज आर द थ्री वेज बाय विच वी कैन डिलीवर द इक्विपमेंट्स और एनी पेन फ्रॉम द टीचर्स एंड टू द स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मेथड्स होते हैं। तो इसी तरीके के बस ये याद रखना, आपको जो फंडा है, सारा जो पढ़ाने का फंडा ये था कि कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, ठीक है, कन्वेंशन लिक्विड गैस दोनों में हो सकता है, और जो रेडिएशन होता है वो गैसेस में ही होता है ज्यादातर, ठीक है, गैसेस में ही होता है क्योंकि वो वेपर की फॉर्म में होता है, और रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स ऑल अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर। यही चीज होती है हीट और टेम्परेचर में, कि डिग्री सेल्सियस को फेरनहाइट में कैसे बोलते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, और हीट किन तीन मेथड से कैसे कैसे ट्रांसफर होती है। और जल्दी एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर जस्ट गिव यू द एप्लीकेशंस एंड आस्क फ्रॉम यू व्हाट काइंड ऑफ फेनोमेनन इज हैपनिंग व्हाइल ड्यूरिंग दिस फेनोमेनन। दीज आर द वे बाय विच द एग्जामिनर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, बहुत सिंपल सी और लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया इस चीज को। चलो अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। देखो सॉलिड क्या होता है, कुछ नहीं, सॉलिड क्या है, हर चीज जो अगर आपको ठोस दिखाई पड़े, ऐसी चीज जो आपको ठोस दिखाई पड़े वो चीज सॉलिड है, और जिसमें पार्टिकल्स क्या है बहुत पास पास है, पास पार्टिकल क्या है बहुत ज्यादा पास पास है, वो चीज सॉलिड होती है। मेटल क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, एक फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, पार्टिकल के बीच में क्या होती है, सब लोग जानते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी पार्टिकल क्या होते हैं, इजिली मूव नहीं कर पाते,
फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर कम होती है, ठोस होती है ना, कोई कोई सॉलिड थिंग को तोड़ो कट इनटू स्मॉलर पीसेस, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू कट इनटू द स्मॉलेस्ट पीसेस, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैं सॉलिड में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ, सॉलिड में जल्दी हम लोग सॉलिड में आपका पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आई थिंक यू आर द फैमिलियर विद द नेम ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यर्षिका को शायद नहीं पता होगा बट यश को पता होगा आई थिंक सो, स्ट्रेस और स्ट्रेन ये पढ़ने जा रहे हैं यर्षिका, ठीक है। अभी बहुत सिंपल और लेमन लैंग्वेज सुनाऊंगा, यर्षिका समझ में आएगा, डोंट वरी ठीक है। चलो टेंशन लेने की बिल्कुल जगह नहीं, देखो टेंशन दिया करो, टेंशन लिया मत करो, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, इलास्टिसिटी देखते हैं कि इलास्टिसिटी है क्या। देखो भाई सीधी सी बात है, इलास्टिसिटी क्या होती है, रबर ब्रांड जानते हो, चलो एक कोई एग्जांपल देते हैं, रुको एक मिनट, वेट अ मिनट, देखो मास्क पड़ा हुआ है, कोरोना का एग्जांपल ही लेते हैं, सबसे बढ़िया मास्क जरूरी है आजकल, सारे देशों में स्टेटस आया था, सारे देशों के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, यूके के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, पर इंडिया के अंदर अभी तक वही चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। कल एक बहुत मतलब सब कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में, यूके में नए स्पाइक्स ड्यूरिंग कोविड-19 आया, तो चलो कोई बात नहीं, हम इलास्टिसिटी समझते हैं देखो क्या होता है। देखो एक मास्क है, ये रबर बैंड मान लो, ठीक है, ये रबर बैंड मान लो, ठीक है। अब सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये रबर बैंड है ना, ये अभी ऐसी थी, ठीक है, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में थी, इस तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में थी, ठीक है। हमने क्या करा, इसको पकड़ के खींचा, खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये क्या हुई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई ना, ओरिजिनल पोजीशन में आई कि नहीं आई, ये जो जब कोई भी थिंग खींचने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी, कुछ नहीं, और यही भाषा में लिखा हुआ है जो आपको बता रहा हूँ। सर हमारे एरिया में तो ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग, सही बात है बिल्कुल, ऐसे कहाँ रहते हो सार, हमारा में गया था मैं पढ़ाता था तब मैंने भी देखा था ये सब चीजें नहीं थी, कोई बात नहीं, एक लॉकडाउन और लगेगा, इंतजार रखो बस, 23 से 25 आई थिंक सो। यशिका कह रही होगी सर मेरा फर्स्ट ईयर एग्जाम ना कैंसिल हो जाए, यशिका के आज भी है, ओके आज किसका, इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर, तो किसका है बिजनेस, ओके बिजनेस में थोड़ी वाला बात है, प्लानिंग व्लानिंग सब आता होगा सब आई थिंक सो, ओके अरे वो तो लिख देगी एक्सपर्ट है वो, केस स्टडीज, हाँ हाँ उन्हीं से डील करना आता है, हाँ ठीक है। चलो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी में वर्च्यूज इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, वही लिखा हुआ है। इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर कोई इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैंने खींचा और इसने अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लिया दोबारा से, जैसे ये था ओरिजिनल, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी कहलाते हैं, ठीक है यही लिखा हुआ है। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसका उल्टा होती है, इसका उल्टा क्या, प्लास्टिसिटी क्या कहलाती, जब बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को गेन ना कर पाता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अगर बॉडी खींचने के बाद रबर बैंड को हमने खींचा और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इफ दैट सब्सटेंस इज नॉट व्हेन डीफॉर्मिंग इज नॉट गेट इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी समझ में आया, वही चीज क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी चीज है भाई, याद रखना, बहुत सिंपल सी लेमन लैंग्वेज समझा है। अब देखो मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूँ, ठीक है, एक चीज आपको पढ़ाता हूँ, आपने हुक्स लॉ के बारे में जानते हो आप लोग, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हुक्स लॉ के बारे में, अपनी कॉपी लिख लो, हाँ हाँ पूछो पूछो सर। प्लास्टिसिटी में सर बिल्कुल ही मतलब उसी पोजीशन में आ जाते हैं या थोड़ी बहुत वापसी भी होती है, मतलब
बहुत ही मतलब कि उस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाती। प्लास्टिसिटी में कभी कभी क्या होता है यश पता है, वो चीज फ्रैक्चर भी हो जाती है, ब्रेक हो जाती है वो। जैसे कभी किसी की कुछ इलास्टिक लिमिट होती है ना, जैसे मान लिया ये मास्क है, कभी आपने देखा होगा कभी कभी मास्क टूट भी जाती है उसकी डोरी। इसकी एक यूनिट है, जैसे ये इतनी खींच सकती है, अगर मैंने इसकी यूनिट से इसको ज्यादा खींच दिया, ज्यादा कोशिश करी और ज्यादा खींची, तो ये टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, टूटेगा। और जब टूटेगा और तो बहुत मुश्किल है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ पाए। देखो इसको भी मैं बताता हूँ, चलो आप ये देख लो, ये है चीज, अब ये इस ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार खींच रहा हूँ, इसको मैंने खींचा, ठीक है, इसको मैंने खींचा बहुत ज्यादा, इसकी लिमिट इतनी थी, बट मैंने इसको खींच ज्यादा रहा हूँ, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बड़ी मुश्किल से आया। तो मतलब प्लास्टिसिटी में वो दोबारा से रीगेन नहीं हो पाता शेप, जो उसका एक ओरिजिनल शेप होता है वाइल स्ट्रेचिंग। और कभी कभी क्या होती है, वो चीज टूट भी जाती है, रबर बैंड वगैरह टूट जाती है ना, बहुत ज्यादा खींचे तो टूट भी जाती है बेसिकली, वो फ्रैक्चर भी हो जाती है, मतलब वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनता है, अगर वो डीप में पढ़ाया जाए तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व पड़ता है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हुक्स लॉ क्या होता है। तो प्लीज अपने कॉपी पेन उठा लो और यहाँ पे देखो एक हुक्स लॉ क्या होता है। देखो हुक्स लॉ कुछ नहीं होता, हुक्स लॉ क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है हमारा, ठीक है। अब ये सर ये कौन सी बला आ गई, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आई एम रिटन एंड चैट बॉक्स, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये चीज कहलाती है मैं हुक्स लॉ। अभी कौन सी बला आ गई सर, आपने कौन सी बला पढ़ा दी हमें, देखो बताता हूँ। देखो कुछ नहीं, देखो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर जानती हो यश का, यश हैव यू नो द व्हाट इज प्रेशर, सब जानते हो प्रेशर, जानते हो ना, फोर्स अपॉन एरिया, अबे ओ पुल और पुश फोर्स होती है, पागल। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अरे दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस, प्रेशर इज, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस, जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है। अब देखो स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी हुई है ना आपकी, ये लिखी हुई है, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। समझ में आ गया, नोट कर लो। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हुई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, पेपर में यही चीजें पूछी जाती हैं छोटी छोटी, स्ट्रेस की यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, इसी के हिसाब से बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप ही लोग बताओगे, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ गई। अरे मैंने कहा बताई, तुम्हें ना तो बताई है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना एरिया आपके, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्लस मीटर स्क्वायर आपका हो गया। अरे आप ही लोग बना रहे हो यार यूनिट, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, और सिंपल सा तरीका है। तो स्ट्रेस क्लियर हुआ, स्ट्रेस होता क्या है, अरे स्ट्रेस लेते हो ना तुम लोग, जब प्रेशर होता है तुम पे, पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो स्ट्रेस होता कि नहीं होता, दिमाग का एरिया खराब हो जाता है, भेजा फ्राई हो जाता है सबका है? वही है ब्रश स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आपकी लाइफ की जिंदगी में चल रहा है ना, वही है स्ट्रेस है ये।
जब स्ट्रेस होता है तो फिर लोग फोर्स करते हैं, नहीं यार ये भी करो वो भी करो, यही वो स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट स्ट्रेस। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स जो लिखा हुआ है ना, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है देखो, ये अगर आपने क्या करा, आपने इस तरीके से करा, ये कोई भी चीज आपने स्प्रिंग लटकाई, स्प्रिंग है आपकी, स्प्रिंग इस तरीके से, और आपने इस तरीके से यहाँ पे कोई मास लटाया इस तरीके से, तो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, जो फोर्स लगती है ना जब ये नीचे की तरफ आता है, जो फोर्स ये ऊपर की वॉल की तरफ जो फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्लियर हुआ यशिका? यशिका आजकल स्ट्रेस में चल रही है, इसके पेपर चल रहे हैं ना, तो वो स्ट्रेस में, वो प्रेशर हो रहा है उसको, वही है प्रेशर, है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, दिमाग का एरिया भेजे या फ्राई है, ठीक है, तो वही चीज क्या होती है हमारी, स्ट्रेस कहलाती है। सिंपल सा तरीका है यार, बहुत सिंपल सा तरीका। अब स्ट्रेन कौन सी वाला आ गई सर, यार स्ट्रेन समझा दो। स्ट्रेन कुछ नहीं होता, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ या किसी भी चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन थीटा, वो चीज क्या कहलाती है हमारी आपकी, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पेपर में लिख लो फटाफट, और यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम इन कॉन्फिगरेशन अपॉन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे मास है, जैसे मास फिर से आ गया है, ठीक है, जैसे ये क्या है अभी, इसकी मान लिया इसकी लेंथ थी सिंपल सी 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है, अब क्या हुआ जब मैंने इस पे फोर्स लगाई, ठीक है, तो क्या हुई इस पे, फिर मैंने छोड़ा तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया यार, पहले ये 1 मीटर का था, अब ये 2 मीटर का हो गया स्ट्रेस होने के बाद, तो चेंज इन लेंथ का 1 मीटर का लेंथ में चेंज आया, चेंज इन लेंथ, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी तब ये था ओरिजिनल, जब जब तब मैंने इसको खींचा नहीं था, तो जो उसका रेशियो होता है वो चीज कहलाती है हमारी स्ट्रेन, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है हमारी स्ट्रेन, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है आपका, इंजन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय चेंज जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा, से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, लिखा है ना डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसकी यूनिट कई बार पेपर में पूछी गई है, तो इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी से बताओ यशिका, जल्दी से बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, और दिमाग से बताना फॉर्मूला देख के बिल्कुल, चेंज इन लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, हिंट दे दिया मैंने, क्या हुआ इतना की सोच रहे हो, नो यूनिट, किसी को यूनिट नहीं होती, प्योर क्वांटिटी इज प्योर। अबे एक बात बताओ करो, लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा कट के, वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x डिवाइडेड बाय x करते हो ना तो क्या मिलता है, वन मिलता है ना, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। नींद में गया सबके साथ, ठीक है, अच्छा अच्छा जल्दी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नींद में थी, ठीक है, अब याद आ गया, स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आ गया कि नहीं आया ये बता दो पहले बस, और जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तो वो चीज क्या कहलाती है हमारी, हुक्स लॉ कहलाती है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमेशा किसमें लगता है, स्प्रिंग में लगता है, जो होती है उसमें हुक्स लॉ लगता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा,
बस मैंने तो समझा दिया। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है? अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या कहलाता है? वॉल्यूम के नाम से समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब शियर स्ट्रेन क्या होता है? ये शियर स्ट्रेन क्या है, देखो इसको बताता हूँ। शियरिंग स्ट्रेन, देखो शियरिंग स्ट्रेन में आपको बताता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। देखो जैसे मान लिया ये फाइल है, ठीक है, ये आपकी फाइल है, ठीक है। अभी ये ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे थी फाइल, ठीक है। अब क्या हुआ, हल्का सा क्या करा मैंने इस पे, हल्का सा क्या करा, ऊपर से इस तरीके से फोर्स लगाया, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे थी, इस एंगल 0 डिग्री एंगल पे थी आपकी, और मैंने क्या करा इसको हल्का सा स्लांट कर दिया, इस तरीके से स्लांट कर दिया, तो इसके एंगल में चेंज आया। पहले ये 0 डिग्री एंगल पे थी, और कुछ हल्का सा मैंने ऊपर से क्या करा, हल्का सा स्लाइड करा, तो उसके एंगल में इस तरीके से चेंज आया। जो एंगल में चेंज आया इसके, ठीक है, व्हेन अप्लाइंग द फोर्स एक्सटर्नली, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ शियरिंग, ये शियरिंग कहलाती है, शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेस कहलाता है। तो डेल्टा थीटा बाय थीटा, वो चीज क्या कहलाती है, शियरिंग स्ट्रेन कहलाती है। क्लियर हो गया? जो एंगल में चेंज आया, जैसे कोई किताब है, किताब इतनी ऐसे पोजिशन पे है, आपने किताब को क्या करो, ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स, इस तरीके से शियरिंग फोर्स लगाई और उसके एंगल में चेंज आया, द चेंज इन एंगल दैट इज कॉल्ड द शियरिंग स्ट्रेन, ये शियरिंग स्ट्रेन कहलाती है। तो स्ट्रेन कुछ नहीं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और वो चीज क्या करती है, स्ट्रेस क्या करती है, फोर्स अपॉन एरिया, बस सिंपल सी बात। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, सब समझ में आ गया आपको। ये थी पूरी भाषा जो मैंने समझाई, वो चीज कहलाती है। मैं आपको एक बार शॉर्ट वे में और समझा देता हूँ। देखो देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनता है इस तरीके से, केवल समझ लेना। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करा, इनिशियली क्या करी, आपने रबर बैंड को खींचा था, ठीक है। कभी रबर बैंड अगर अपने ओरिजिनल इलास्टिक लिमिट तक जाती है और दोबारा वापस आ जाती है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे खींची तो और दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हुक्स लॉ है, जो हम लोग हुक्स लॉ पढ़ाया था मैंने, हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हुक्स लॉ जो होता है यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि क्या होता है, हुक्स लॉ तभी फॉलो होता है जब कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, इलास्टिसिटी हो जाए उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। अब क्या होते हैं, अगर मान लिया ये हल्का सा इलास्टिक लिमिट होती है, अब ये क्या हुआ, हल्का सा चेंज इन लेंथ है, जैसे अभी यश मुझसे पूछ रहा था ना कि सर कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता, तो ये जो वाला रीजन कहलाता है, ये वाला रीजन जो कहलाता है, हल्का सा चेंज आया, मतलब जो उसकी लेंथ जब हमने खींचा और दोबारा से वो जब ओरिजिनल पोजीशन में आई, तो पहले 1 मीटर उसकी ओरिजिनल थी, लेकिन अब वो 1.5 मीटर की हो गई, आधा मीटर इंक्रीमेंट हो गया उसके अंदर। तो ये वाला जो रीजन कहलाता है, हल्का सा यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, जो ये वाला रीजन कहलाता है, ये वाला रीजन हमारा कहलाता है प्लास्टिसिटी रीजन। और अगर हमने बहुत ज्यादा खींच दिया उसको, और तो वो क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है, और जब ये ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक वाला, ये प्लास्टिसिटी रीजन कहलाता है, हल्का सा चेंज आया तो प्लास्टिसिटी रीजन। अगर वो ब्रेक हो जाती है तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, लिखा हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेस, और या इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट। क्योंकि क्या होती है, अगर हम उसकी एक्चुअल लिमिट से किसी को ज्यादा खींच देंगे तो वो क्या होती है, वो चीज टूट जाएगी, और जब वो टूट जाएगी तो वो जिस रीजन में जाती है उस रीजन को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर होती है, क्योंकि वो चीज क्या होती है, टूट गई और वो दोबारा वैसी नहीं हो सकती जैसे वो ओरिजिनल फॉर्म में थी। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनता है बेसिकली। बस आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पता होना चाहिए, दैट इज इनफ फॉर यू। जल्दी क्या होता है, यश खींचने पे ही होता है, हमारा खींचने पे ही होता है, क्योंकि स्प्रिंग के केस में ज्यादातर हुक्स लॉ वैलिड होता है हमारा, ठीक है, हुक्स लॉ वहां पे वैलिड होता है स्प्रिंग के केस में। तो हमारा बेसिकली ये जो होता है हमारा ओनली स्ट्रेच के केस में ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है कंप्रेशन में, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो आपका सी में ही होता है, आपके खींचने में ही होता है आपके।
ठीक है, यही चीजें हैं बस, और कुछ ऐसा नहीं था इसके अंदर जो सॉलिड मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, यही चीजें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझाना था मुझे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, फ्लूड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फ्लूड, सब जानते होंगे फ्लूड के बारे में, फ्लूड एक बहता हुआ पानी का जल है सिंपल, लिक्विड है फ्लूड, ठीक है, इट्स अ लिक्विड, इट्स अ सब्सटेंस बिगिन टू फ्लो अंडर द एक्सटर्नल फोर्स, इट्स कॉल्ड फ्लूड। लिक्विड गैस हमेशा फ्लूड ही होती है, सॉलिड तो कभी फ्लूड नहीं होता, क्योंकि सॉलिड कभी फ्लो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। और सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, सब लोग जानते हो ना डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता होगा आई थिंक, यस, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम की यूनिट क्या बनी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है ना, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, तो यूनिट आप ही बनाओगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना डेंसिटी कैसी यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछ लिया था कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कौन सी वेक्टर है, तो हमेशा ध्यान रखना डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो उस पे डिपेंड है। और सबसे ज्यादा वाटर की डेंसिटी होती है, ध्यान रखना कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, पेपर में पूछ लिया था 1 होती है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है। अगला क्या होता है आपका, देखो एक होता है हाइग्रोमीटर, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एक हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, हमारी ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, यही बताया था ना ये स्टार्टिंग के लेक्चर में, मैंने यही चीज बताई थी कि हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, हमारी ह्यूमिडिटी मेजर करता है, आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी होती है जो बारिश के बाद ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसको मेजर करने का काम हाइग्रोमीटर का होता है। एक अगला होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है, जो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी होती है वाटर की, चेंज इन डेंसिटी होती है, उसको मेजर करने में मदद करता है, मतलब इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इट्स वर्किंग बेस्ड ऑन लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कुछ नहीं, अगर बेसिकली डेंसिटी है या रिलेटिव डेंसिटी, किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी में अगर कोई भी चेंज आता है, तो उसको जो मेजर करते हैं, डेंसिटी में चेंज आता है लिक्विड की, तो उसमें जो मेजर करते हैं वो चीज हमारी हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर याद रखना, हाइड्रोमीटर अलग है, वो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की मेजर करता है, और हाइग्रोमीटर क्या है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने में मदद करता है आपका, और प्रेशर आप जानते ही हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि अगर हम एरिया को कम कर देंगे, इफ वी, सिंपल से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताओ, इफ वी इंक्रीज एरिया व्हाट विल हैपन ऑन प्रेशर, व्हाट विल हैपन ऑन प्रेशर, यशिका बताना, सोच समझ के बताना आंसर, इफ वी इंक्रीज द एरिया व्हाट विल हैपन ऑन प्रेशर, इंक्रीज या डिक्रीज या दोनों या नन ऑफ दिस, फॉर्मूला देखो और बिल्कुल सोच के बताओ, कल एक चीज बताई थी मैंने साइंस के कंसेप्ट में, फॉर्मूला देखो और बताओ आंसर, इफ द एरिया इंक्रीज, अगर ए को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों इन एन ऑफ दिस, अगर ये क्वेश्चन आ जाए सिंपल सो पेपर के अंदर, अभी भी डाउट है यशिका, डिक्रीज ही होगा, सीधी सी बात है यार, कल मैंने को साइंस में सीधा फंडा ये होता है, आमने सामने फेस टू फेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होती है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, दैट्स इट, तो मैंने बताया ना एरिया बढ़ रहा है तो एरिया नीचे है, और प्रेशर उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एब्सोल्युटली राइट है। अरे पाइप जानते हो, गार्डनिंग करिए ना, गार्डनिंग वगैरह में अगर शौक होगा तुम लोग को, ठीक है, तो जब आप लोग, ठीक है, तो गार्डनिंग का जब शौक होगा तो आप लोग पाइप यूज करते हो, ठीक है, बचपन में खेलते भी थे तो, या होली के टाइम पे जल्दी पाइप वगैरह का यूज भी करते थे, और गार्डनिंग वगैरह में पाइप का यूज करते हो, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी पाइप का जो आगरे वाला जो उसका क्रॉस सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसका, जो गोल गोल जो एरिया होता है ना,
उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी चीज का होता है, ठीक है, सर्कल चीज का। आप क्या करते हैं, जब वो पाइप को क्या करते हो, आप दबाते हो ना आगे से, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट्स एरिया बिकम डिक्रीज। जब एरिया डिक्रीज हो जाता है तो देखो ना पानी दूर तक जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है पानी का, पानी एक जगह नहीं दूसरी जगह बहुत स्पीड तक जाता है आगे तक। तो एरिया क्या करा आपने, डिक्रीज करा उसका, बट उसके जो वाटर का प्रेशर था वो बढ़ गया। अब यही क्या हो, एरिया वैसा ही हो, आपने कुछ नहीं करा तो पानी का वहीं मिल जाता, सीधा फॉर्मूला है, सीधा सा आपको लाइव एग्जांपल मैंने समझा दिया, ये चीज कहलाती है। अब देखो क्लास क्या होता है, ये पॉइंट क्लियर होगा फ्लूइड के बारे में। अब फ्लूइड में भी प्रेशर होता है आपका, जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में भी क्या होता है हमारा, बेसिकली आपका प्रेशर आपका होता है फ्लूइड में, ठीक है फ्लूइड में भी क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है आपका। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, याद कर लेना पेपर में बाय हार्ट से, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि यूनिट्स बहुत पूछी जाती हैं। जल्दी से बताओ, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, नोट कर लो। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल होती है। ठीक है, ओके, बस थोड़ा सा रुक जाओ। ये थोड़ा सा बस, ठीक है, कल तक मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस फिजिक्स का, क्योंकि इसमें लाइट और करंट वाला ही पार्ट रहता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, एनी डाउट, लिक्विड वाला पार्ट मैं भी समझा दूंगा, बहुत लिक्विड वाला पार्ट पार्ट समझ लो, बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लिक्विड वाला, क्योंकि लाइट वाला ही पार्ट रहता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वैसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो रेजिस्टेंस इस टाइम। ठीक है, कल क्लास वैसे नहीं है, बट मैं बता दूंगा मैम को, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूंगा कि थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, ओके, अगर हो जाती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया, एक छोटा सा बिल्कुल पोर्शन है, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में नहीं आता, यही सब चीजें पूछी जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिट्स के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आपको एक चीज और समझा देता हूँ मैं, देखो पास्कल लॉ क्या होता है, देखो प्रेशर की यूनिट एक और होती है, अगर बात करी जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है, टॉर भी होती है और एक बार होती है, बार। अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात करी जाए तो होती है आपकी टॉर और बार। टॉर और बार भी क्या होती है, प्रेशर की अनदर यूनिट्स होती हैं आपकी। ठीक है, चलो अनदर यूनिट्स होती है हमारी इसकी। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ लो यश, थोड़ा सा पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, पेपर में कई बार पूछा गया पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, कुछ नहीं, द प्रेशर एक्सर्टेड एनी वेयर एट एनी पॉइंट ऑफ द कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। मतलब अगर कोई भी चीज है, अगर कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल है और उसमें अनडिमिनिश्ड है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा थ्रू आउट द लिक्विड, इज कॉल्ड पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमेशा याद रखना, पास्कल लॉ किसमें अप्लाई होता है, हमेशा आपके फ्लूइड केस में लगता है। अब जितने भी आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो यशिका कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अरे जो गाड़ी के अंदर ब्रेक है ना, आप लोग व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार यू जस्ट पुटिंग द ब्रेक, क्लच दबा के जो ब्रेक दबाते हो वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहलाते हैं, क्योंकि ऑयल की मदद से जो ऑयल डला है आपके उससे ब्रेक लगते हैं ना, ब्रेक ऑयल डलता है जब सर्विसिंग कराते हो गाड़ी वगैरह में, तो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं बेसिकली, उसके अंदर ऑयल डलता है, फ्लूइड डलता है बेसिकली। तो हर एक पॉइंट पे जब प्रेशर क्या होता है लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ी के अंदर
वो किस लॉ पे काम करते हैं, तो आंसर होगा आपका पास्कल लॉ। प्लीज याद कर लेना, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो उसके आगे। बस इतना मैं पढ़ाऊंगा आज के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है सबके, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। हाँ सर, आज मजाक नहीं कर रहा। ओके, तो पास्कल लॉ समझ में आ गया होगा, ठीक है, पास्कल लॉ का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल तक ज्वाइन करना, कल तक पूरा खत्म हो जाएगा आपका। वैसे तो मैं सोच रहा था अभी थोड़ा सा टाइम के पढ़ा देता आप लोगों को, पढ़ने का मन ही नहीं है तो फायदा क्या, क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की सबकी। ओके बाय, चलो चलो टेक केयर, चलो चलो बाय।